विवान, तुम यहाँ कैसे आ गए? पूछो मत मस्ती परी, एक मिरर से दूसरे मिरर में एंट्री लेते हुए जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे हेलो, मैं छोटा बालवीर हूँ। आंटी जी, ओ नहीं, बाल परिमा नहीं, तुम मुझे परिमा बुला सकते हो, क्योंकि अब तुम भी तो छोटे बालवीर बन गए हो, है ना? ठीक है परिमा, मुझे ना आपसे बालवीर जी की एक शिकायत करनी है। मेरी छोटी सी शरारत के लिए उन्होंने मुझे इस आईने में कैद कर दिया है। अब समझाइए ना इनको, ऐसा कोई करता भी है कि अपने पार्टनर के साथ? वाह बदमाश, आते ही मेरी शिकायत करने लगे, मुझे डांट पड़वाना चाहते हो? अभी डांट नहीं खानी है तो निकालो मुझे बाहर, क्योंकि बालवीर हो या विमान, अपनी माँ की बात तो कोई नहीं डाल सकता। थैंक यू। सलमान भाई सही कहते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। थैंक यू परिमा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जब मैं नहीं थी तब तुमने बालवीर की मदद की है। मदद सिर्फ मैंने ही नहीं, शेर सर ने, मस्ती परी ने, वायु परी, पानी परी, ध्वनि परी, ज्वाला परी, सब ने की है। पर तिमना सा ने ये ठीक नहीं किया, पूरी दुनिया में इतनी बुराई फैलाने की कोशिश की, तुम सबको इतना परेशान किया, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब तो सिर्फ कालोक से ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। नहीं मां, हमें सबसे पहले वीर लोग जाना होगा, वहां शौर्य और सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ बालपरी, आज आपके स्वागत में हम वीर लोक में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। मतलब पार्टी? तो मैं भी आ रहा हूँ। नहीं विवान, आज तुम्हारे ज्योग्राफी का टेस्ट, तुम नहीं आ सकते। पार्टन, ज्योग्राफी का टेस्ट तो हर महीने में दो बार होता है, और परिमा की वापसी का सेलिब्रेशन तो पहली बार हो रहा है ना, प्लीज मुझे आने दो ना पार्टन, प्लीज। लेकिन विवान। थैंक यू पार्टन, थैंक यू। अब सिर्फ तिमनासा और भयमार में ये सत्व डालना बाकी है, फिर बुराई खत्म। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है, उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को बल्कि काल परी को भी अच्छा बना दिया है। जब जंग इतनी बड़ी हो तो कभी कभी बड़े बड़े सिपाही भी कुर्बान करने पड़ते हैं भैमार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मकसद भूल जाएं। मकसद? हाँ मकसद, बालवीर और विवान को क्रोधाल की शक्ति से बुरा बनाना, इस पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाना। इस जंग में जीत बुराई की ही होगी। बालपरी, वीर लोग आपके बिना सूना हो गया था, अब आप वापस आ गई है तो देखिए सबकी आंखें खुशी से चमक उठी है।
तो बहुत इमोशनल सीन चल रहा है, पर मैं भी इमोशनल बच्चा हूँ। मुझे वो पार्टी कब देखने को मिलेगी जो मैं देख रहा हूँ। थोड़ी ही देर में बाल परी का स्वागत समारोह शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बाल परी को परी तारा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ माँ, जाइए परी तारा से आशीर्वाद लीजिए और खुद को एक नई शक्ति और ऊर्जा दीजिए। यहाँ परी तारा का आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि बालवीर और विवान को अपने साथ काललोक ले जाने आई हूँ। परी तारा का आशीर्वाद तो मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं, और इन सबको पता चल जाएगा कि मैं बाल परी नहीं काल परी हूँ। नहीं, मैं परी तारा का आशीर्वाद नहीं लूंगी। कालपरी के रूप में मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं परी तारा का आशीर्वाद लेने के योग्य नहीं हूं। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तिन्नासा ने अपने छल कपट से किया है। आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बालवीर, नहीं। मैं अपने आप को तब तक माफ नहीं कर सकती जब तक मैं काल लोक जाकर तिम्नासा को सबक नहीं सिखा देती। नहीं माँ, मैं आपको वापस काल लोक नहीं भेज सकता। अभी अभी आप वापस आई और मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक इसी समय वहाँ काल लोक में तिम्नासा क्रोधाल की काली ऊर्जा पूरी दुनिया में फैलाने की योजना बना रही है। तो ठीक है माँ, आपका बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बालवीर, जैसे तुम ठीक समझो। तिम्नासा को खत्म करने की मुहिम में तुम्हें एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी बालवीर। आओ मेरे साथ। कोई भी अस्त्र लेकर आ जाओ बालवीर, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे इस छोटे बालवीर को काल लोक की पूरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है शौरी, आप मुझे कौन सा हथियार देना चाहते हैं? गुप्त सूचना का हथियार। लेकिन उसकी जरूरत क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से देखो बालवीर, जो तुम्हारे साथ वीर लोक आई है वो बाल परी नहीं काल परी है। नहीं शौरी, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथों से माँ के ऊपर अच्छाई के सत्व की बारिश की थी, और तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें बाल परी बनते हुए देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं बालवीर, क्योंकि अगर ये बाल परी होती तो किसी भी कीमत पर परितारा का आशीर्वाद लेने से मना नहीं करती। उसके लिए माँ के पास कारण है शौर्य। और फिर बालवीर, भावनाओं में बहकर सच को देखोगे तो सच्चाई दिखाई नहीं देगी। तुम खुद सोचो, अगर ये सच में बाल परी है तो इन्हें क्रोधाल के बारे में कैसे पता? काल परी के ऊपर जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है। इस वक्त उसे हराने का एक ही तरीका है कि हम इस गुप्त सूचना का इस्तेमाल करके
तिमनासा और कालपरी को उन्हीं की योजना में मारते हैं। लेकिन शौर्य मां, उन्हें भी हम वापस लेकर आएंगे। बालवीर, कौन सा शस्त्र दिया है शौर्य ने? मां, एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र दिया है शौर्य ने। इतनासा ने बुराई की जितनी भी परतें फैलाई है उन सबको नष्ट करके सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का उजाला फैला सकता है ये शस्त्र। शुक्रिया शौर्य। शौर्य, क्यों ना हम विवान को भी साथ ले चले? मैंने इसकी परम परीक्षा तो नहीं देखी, पर अब देखूं कि बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कितना तैयार हो चुका है हमारा छोटा बालवीर। लेकिन शौर्य मां, वहां काललोक में बहुत खतरा होगा। बालवीर, एक माँ के रहते हुए बेटों को कैसा खतरा? बिल्कुल सही कहा परिमा, पार्टनर तो हमेशा टेंशन में ही रहता है। कितना मजा आएगा जब हम तीनों मिलकर तिमनासा को सबक सिखाएंगे। सबक तिमनासा को नहीं, तुम्हें मिलने वाला है। तिमनासा, तैयार हो जाओ अपने जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत खूब कालपरी, बहुत खूब। अब दोनों बालवीर मेरे हाथ से शहीद होंगे। विवान। जी शेर सर। आज तो तुम्हारी कक्षा में तुम्हारा कोई इम्तिहान है ना? अरे वो ज्योग्राफी का टेस्ट, लेकिन वो तो मेरा डुप्लीकेट। मेरा मतलब वो डूबा डूबा जी दे देंगे ना? नहीं विवान, ये बेमानी होगी। और एक बाल भी कभी भी बेमानी नहीं करता। परिमा देखिए ना, पार्टनर मुझे फिर से रोक रहा है। बालपरी भी परीक्षा में धोखेबाजी की इजाजत कभी नहीं देगी, है ना बालपरी? हाँ बिल्कुल, शौर्य बिल्कुल सही कह रहे, परीक्षा में बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आप तीनों एक साइड हो गए, अब मेरी कौन सुनने वाला है? मैं जाता हूँ अपना ज्योग्राफी का टेस्ट देने। इतना अच्छा मौका था इसे पकड़ने का। परिमा और बाटर, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। चलो कोई बात नहीं, दोनों सही तो एक ही सही। इस एक के स्वागत की तैयारियां करो। भैमार, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जानता हूँ तिमना सर, जिस जाल में कालपरी को फंसाया था उसी जाल में उसके बेटे को फंसाना है। आओ बालवीर आओ। मुझे हर कदम पे सतर्क रहकर चलना होगा। माँ, तिमनासा को ढूंढने से पहले हमें क्रोधल को ढूंढना चाहिए, तभी हम तिमनासा से लड़ पाएंगे। मैं भी ढूंढता हूँ कि क्रोधल कहाँ है। वहां पर उस पहाड़ी के पीछे से क्रोधल की काली ऊर्जा आ रही है। चलिए माँ। लेकिन बालवीर, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो तिमनासा हम पर हमला कर सकती है। हमें किसी गुप्त रास्ते से जाना होगा, उस तरफ से। चलिए माँ। चल। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ,
आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? वैसे माँ, आपके हिसाब से गुप्त रास्ता सही है ना? हाँ, अब यही है वो गुप्त रास्ता, मैं जानती हूँ। क्यों, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं माँ, मुझे तो खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। आप कहेंगी तो किसी भी रास्ते पर आंख बंद करके चल लूंगा मैं। चलो बस 10 कदम और। चलिए माँ। माँ ठीक तो है ना? माँ कहाँ है आप? बालवीर, आखिर तुम भी अपने माँ के प्यार में अंधे होकर गिर ही गए गड्ढे में। खेरी खाई में तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला बालवीर। जाओ तो अपनी प्यारी माँ बालपरी, कालपरी से पूछ लो। माँ, बालवीर, अगर दिल की बजाय दिमाग से काम लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। क्या हुआ बालवीर, कहाँ गए तुम्हारी अच्छाई की ताकत और प्यार की शक्ति? हाँ, ये क्या है, जब देखो जाल में फंसाने की बुरी बुरी बातें करती रहती हो। अरे कभी कभी जीवन में अच्छा भी काम कर लिया करो तिमनासा जी। नहीं बोलो तिमनासा जी, आपके हाथ में ये छोटी सी जंजीर क्यों है? अरे तिमनासा जी, जगदाली जी ने पूछा कि ये जंजीर आपके हाथ में क्यों है, आपने तो प्रदर्शनी शुरू कर दी। इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। छोड़िए तौबा तौबा जी, छोड़िए। वैसे भी हमारे पास इन बुरे लोगों के लिए और बुराई के लिए वो कहाँ है, समय। छोड़ दिया। देखा बालवीर, जो भी सच्चाई और प्यार पर भरोसा करता है वो धोखा ही खाता है। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा सच। भैमार, आज तुझे मैं बताऊंगा कि तेरी ये सोच तेरा ये सच दोनों ही गलत है। अरे 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 तिमनासा जी, ये जंजीर हमारे चारों तरफ क्यों नाच रही है? हम तो अच्छाई के सेवक हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तौबा तौबा जी, ये अच्छाई को खींचने वाला चुंबक है। चुंबक? अरे तिमनासा जी, सुनी है मेरी बात, कुछ नहीं होने वाला है इससे। अरे हम तो अच्छाई के सेवक है तिमनासा जी।
नासा जी। रानी, नन्ही उंगली की कसम, अच्छाई में वो मजा कहाँ जो इस बुराई में है। जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। रानी की जय हो। जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। बस कुछ पल और, फिर बालवीर भी ऐसे ही नारे लगाएगा, भैरानी की जय हो, जय हो।